इस जंग में यूक्रेन दो तरफ से घिर चुका है, एक तरफ रूस और तूफानी हमलों से यूक्रेन की सेना का सफाया हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेटो के चक्कर में ज़ेलेंस्की ऐसे फंस गए हैं कि उन्हें यही समझ नहीं आ रहा है कि रूस के खिलाफ काउंटर अटैक में जीत कैसे हासिल करें। और इधर रूस की सेना दावा कर रही है कि महज 11 दिन में ही यूक्रेन का काउंटर अटैक धूल चाट गया है और उसके सैनिक रेंग रेंग कर मरने को मजबूर है। लगभग 15 महीने तक रूस ने यूक्रेन पर इतने प्रचंड हमले किए कि यूक्रेनी सेना को सिर उठाने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन 16वें महीने में रूस के ऊपर शुरू हुए यूक्रेन के काउंटर अटैक अब यूक्रेनी सेना के लिए मौत का कुआं बन चुके हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि 4 जून से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक महज 11 दिन में ही दम तोड़ने लगा है? वॉर जोन से आई रिपोर्ट के मुताबिक 1200 से 1600 फीट इलाके में यूक्रेन के 10,000 से ज्यादा सैनिक महज 11 दिन में मारे जा चुके हैं। फीट में मरे 10,000 सैनिक, 13,00,000 करोड़ के हथियारों के साथ युद्ध कर रहा यूक्रेन रूस को अब तक क्यों नहीं डरा पा रहा है? क्या ज़ेलेंस्की के जीत के दावे महज प्रोपेगेंडा हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन का जो काउंटर अटैक 5 तरफ से हो रहा था वो महज 3 तरफ से हो रहा है? आखिर यूक्रेन काउंटर अटैक बढ़ाने की बजाय कम करने के लिए मजबूर क्यों हुआ है? रेंग रेंग कर मर रहा है यूक्रेन। शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये ऐसा पहला युद्ध है जहां एक देश 81 देशों से जंग लड़ रहा है। नेटो के 31 और पश्चिम के 50 देश मिलकर इस वक्त यूक्रेन को अंधाधुंध हथियार देने में जुटे हैं। हालात ये हो गए हैं कि इस वक्त यूक्रेन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो 600 तरह के हथियारों के साथ रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। यहां तक कि दुनिया की सबसे ज्यादा एंटी टैंक मिसाइलें भी इस वक्त यूक्रेन के पास पहुंच चुकी हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के 2,18,000 सैनिक मार डाले हैं, वो यूक्रेन पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन से अब तक के रूस को खदेड़ नहीं पाया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के लगभग 4,000 टैंक, 7,600 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 3,800 से ज्यादा तोपखाना और 314 लड़ाकू विमान को तबाह कर डाला है। वो यूक्रेन इस वक्त जंग के मैदान में रेंग रेंग कर मरने को मजबूर है। जो रिपोर्ट वॉर जोन से सामने आई है वो हैरान करने वाली है। जरा देखिए, रेंग रेंग कर मर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन ने रूस पर 4 जून से 5 तरफ से काउंटर अटैक शुरू किया था। यूक्रेन का दावा था कि रूस की सेना पर 5 तरफ से हुए हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है।